खबर रुद्रप्रयाग जनपद से आ रही है, जहां अगस्त मुनि बाजार में एक ज्वेलर्स की दुकान से चोरी की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि अगस्त मुनि के ज्वेलर्स अशोक कुमार ने थाने में तहरीर दी कि देर रात विजयनगर स्थित उनकी गढ़वाल ज्वेलर्स की दुकान के शटर का ताला तोड़कर कुछ ज्वेलरी और 20,000 नकदी रुपए चोरी कर लिए हैं। इसी दौरान पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग डॉक्टर विशाखा अशोक भदाणे स्वयं मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि गढ़वाल ज्वेलर्स में हुई चोरी की घटना पर पुलिस स्तर पर मुकदमा दर्ज होने के बाद साइबर सर्विलांस टीम और फोरेंसिक टीम थाना स्तर पर पुलिस बल तैनात किया गया है। योजना तैयार करने के बाद सभी ने अपना काम शुरू कर दिया है। इस चोरी में जो भी शामिल है उसे बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और चोरी का माल बरामद कर लिया जाएगा। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। सुबह जो है पुलिस को सूचना मिली थी कि अगस्त मुनि के विजयनगर में जो गढ़वाल ज्वेलर्स की दुकान है वहां पे किसी ने जो है चोरी का प्रयास किया हुआ है। तो सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस जो है वहां पे मौके में चली गई। मौके का मुआयना किया गया और जो वादी है उनसे पूछताछ की गई। वादी द्वारा बताया गया कि उनकी दुकान में रखी हुई लगभग 20,000 की नकदी और कुछ जो गहने हैं जिसमें सोने और चांदी के गहने हैं वो दुकान से जो है गायब हुए हैं। साथ साथ जो शटर है उसका ताला भी तोड़ा गया है। तो इस पर पुलिस ने तुरंत जो है टीमें बनाते हुए साइबर की टीम, सर्विलेंस की टीम और हमारी थाने की टीम साथ साथ फॉरेंसिक की टीम जो है वो मौके पे अपना जो विवेचना है और इन्वेस्टिगेशन है वो कर रही है। इसमें सभी से अनुरोध है कि इसमें कोई भी किसी भी तरह की भ्रामक सूचनाएं ना फैलाए। इसमें जो जिसने भी ये चोरी की वारदात की है उसको पुलिस द्वारा जल्द से जल्द गिरफ्तार कर दिया जाएगा और जो भी धनराशि और जो सामान जो है चोरी हुआ है उसकी भी जल्द से जल्द बरामदगी की जाएगी।